अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ निमरा आबिद। और आज हम एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस देखेंगे। हमने इसमें से दो फंक्शंस पहले भी देखे हुए हैं, इफ और नेस्टेड इफ। जब हमने मार्कशीट बनाना सीखी थी, स्टूडेंट रिजल्ट बनाना सीखा था, तो उसमें हमने इफ का भी यूज़ किया था और नेस्टेड इफ का भी यूज़ किया था। इफ का शायद ना भी किया हो, लेकिन हमने नेस्टेड इफ का यूज़ किया था। ठीक है, अब इफ और नेस्टेड इफ में क्या फ़र्क है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इफ की कंडीशन आप इस्तेमाल करो एक ही फॉर्मूले में। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ एक जो है वो स्टूडेंट रिजल्ट शीट है, मार्कशीट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला लगाते थे? इक्वल टू ऑप्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इससे क्या होता, हमारे पास परसेंटेज आ जाती थी। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब परसेंटेज के बाद जब हम उसका ग्रेड निकालते थे, तो ग्रेड में हमें मल्टी कंडीशंस देनी पड़ती थी। तीन चार इफ हम देते थे। ठीक है, तो वो तीन चार इफ हम किस तरह देते थे, किसी को याद है? आप लोगों ने इसका टेस्ट भी दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। हम क्या करते थे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ हम जो है वो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड निकालते थे। अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होगी, तो ग्रेड क्या बनेगा आपका, ए प्लस बनेगा। ठीक है, ये हो गया एक इफ। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक और इफ लगाते हैं। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ कंडीशन देते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 होगी, तो ग्रेड क्या बनेगा आपका, ए। ठीक है, अब उसके बाद एक और इफ यूज होता है, जितने इफ यूज करते जाओगे आप, तो वो नेस्टेड इफ कहलाएंगे। ठीक है, नेस्टेड इफ का यही फायदा है कि आप एक से ज्यादा इफ यूज कर सकते हैं। सही, अब परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर होगी 60 के, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, बी ग्रेड। ठीक है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होगी, तो कंडीशन क्या बनेगी आपके पास, सी ग्रेड। और इफ परसेंटेज लेस देन 50 होगी, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, परसेंटेज लेस देन 50 होगी, तो ग्रेड क्या बनेगा आपके पास, एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है नेस्टेड इफ। अब हम सारे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे। अब देखें 65% थी ना, तो क्या बना आपके पास, बी ग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से देखें सबका ग्रेड आ गया। ये था आपका एक लॉजिकल फंक्शन नेस्टेड इफ। अब इफ किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इफ में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे कि इक्वल टू इफ कंडीशन दे दी, ये परसेंटेज है तो हमें एक ही कंडीशन होगी। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन होगी 80 के, ठीक है, तो ही बच्चा जो है वो पास होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह हम पास फेल नहीं करते, हम करते हैं एक्सीलेंट। ठीक है, और अदरवाइज वर्क हार्ड। ठीक है, अगर ये ना हुआ तो क्या प्रिंट होगा, वर्क हार्ड, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देखो क्या है, इसकी परसेंटेज 80 से कम है ना, तो क्या इन्होंने शो कर दिया, वर्क हार्ड। ठीक है, इसको हम जो है वो ऑटो फिट कराते हैं ताकि वो हमें क्लियर नजर आए। ठीक है, अब यही जो है वो मैं नीचे, अब जिस बच्चे की जो है वो, सॉरी ये इससे मैच नहीं कर रहा था, तो इसने ऐसे ही रेंडमली जो है वो वैल्यूज दे दिए, नहीं सही दिए इसने। सिर्फ मसला ये है
कि हमारा जो है ये एक बॉक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए इसने वर्क हार्ड दिया, सेकंड वाले के लिए वर्क हार्ड दिया, थर्ड के लिए भी, फोर के लिए भी, फाइव के लिए भी, सिक्स के लिए इसने कहा एक्सीलेंट, ठीक है, और बाकी सबके लिए इसने क्या कहा है, वर्क हार्ड। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। अब इफ के बाद हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? एंड का मतलब होता है कि आपके पास एंड और को कहते हैं ना, ठीक है। तो एंड मतलब ये भी, ये भी, ये भी, और सब, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इन सब में जो है वो आपके मार्क्स अगर 50 होते हैं, ठीक है, सब में आपको पास होने के लिए आपको सब में जो है वो 50 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, समझ में आ रही बात, सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। लेकिन नेस्टेड इफ में और कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी, एक भी कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, वो आपको जो है वो बोलेगा आप पास हो, ठीक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स हैं, बाकी सब में आपके कम मार्क्स हैं 50 से, तो तब भी वो आपको क्या शो कराएगा, पास शो कराएगा, ठीक है। और में आपके पास एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन जबकि एंड में क्या है, आपके पास सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। आइए करके देखते हैं। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एक्स, और इसको जो है ना हम कंट्रोल भी कर देते हैं इस तरह। अब जो है वो आपको क्लियर शो होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एंड पे, सही। और नीचे इन्होंने दो वर्क हार्ड दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, 80 से कम है, तभी उन्होंने वर्क हार्ड दे दिए। अब एंड की कंडीशन हम किस तरह लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू इफ। अब इफ के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन एंड, अब एंड के अंदर कि भाई मैथ्स में जो है ना, मैथ्स में भी आपके जो है मार्क्स 50 होने चाहिए, ठीक है, 50 होने चाहिए, और आपके इंग्लिश में भी मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 50 या इक्वल टू 50 होने चाहिए, और आपके उर्दू में भी जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होने चाहिए, इस्लामियात में भी आपके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होने चाहिए, साइंस में भी आपके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होने चाहिए, एसएसटी में भी, और इसके अलावा कंप्यूटर में भी आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होने चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हमने दे दी। अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब आपने यहाँ क्या देना है, कोमा, स्टेटमेंट आ जाएगी पास, और दूसरी स्टेटमेंट क्या आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या आ जाएगा, फेल, ठीक है। एंड के कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपके पास ये सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, मतलब इस बच्चे को हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स गेन करने ज़रूरी है, तभी वो पास होगा, अदरवाइज वो क्या है, फेल है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह हमने क्या किया, पहले इफ की कंडीशन थी, उसके अंदर हमने इफ के अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ किया, ऑपरेटर यूज़ किया, और हर सेल में हमने क्या कर दिया, कहा कि इसमें जो वैल्यू है वो 50 से अबव होनी चाहिए या 50 होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये पास होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इंटर किया तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, देखो इसके इंग्लिश में 89 है, उर्दू में 80, 76 सब में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इसके तीन सब्जेक्ट में जो है 45, 45 और 34, तीन में क्या है, मार्क्स कम है, तो इसने क्या शो करा दिया, ये फेल है बच्चा, ठीक है।
अब देखिए तकरीबन सभी इस तरह फेल हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ दो बच्चों के जो हैं वो मार्क्स सब में 50+ हैं, बाकी सबके किसी ना किसी में 50 से कम है। ठीक है, अब अगर इस बच्चे के मैं हर सब्जेक्ट में 50+ कर देती हूँ, 55 कर देती हूँ, 67 कर देती हूँ, तो और इसमें जो है इसके 78 कर देती हूँ, अब देखें इसकी भी स्टेटमेंट क्या हो गई, पास हो गई। ठीक है, एंड ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपको सारी कंडीशंस ट्रू करवानी हो और तभी वो आपको रिजल्ट देगा पास का, अदरवाइज वो फेल शो कराएगा। अब और क्या है, और इसके अपोजिट है। ठीक है, और क्या करता है, और बेसिकली वो कहता है कि एक ही कंडीशन, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, क्वेश्चंस में भी आपके पास आते हैं ना, दो क्वेश्चन आते हैं बीच में और करके आते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो और ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर दो स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट उसको करेक्ट मिल गई तो वो अपना रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ इफ के अंदर हम कंडीशन देंगे और की, और के कंडीशन देने के बाद हम यही लिखेंगे कि अगर एक में भी इसके 80 मार्क्स है ना, एक सब्जेक्ट में भी, एक सब्जेक्ट में भी अगर इस बच्चे ने मेहनत की है और उसके 80 मार्क्स आए हैं तो वो पास है। ठीक है, ग्रेटर देन, और एक सेकेंड, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, कॉमा, और इसी तरीके से उर्दू में भी इसके जो हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 हो, इस्लामियात में भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 हो, साइंस में भी कॉमा, साइंस में भी इसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो, SST में भी इसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो, कंप्यूटर में भी इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो। ठीक है, जब ये सब होगा तो क्या होगा, पास। अब इस तरह ही सब बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज फेल। अब देखें यहाँ जब ये फेल हो रहा था और की जब मैंने स्टेटमेंट लगाई, कंडीशन लगाई, तो ये पास हो गया। अब इस तरह क्या हो जाएगा, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, और इसको क्या इसने शो करा दिया, फेल शो करा दिया, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी थी, अगर किसी में भी 80 से अबव होंगे, ठीक है, तो वो पास होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन इसने किसी में भी 80 नहीं लिए। ठीक है, इसने किसी सब्जेक्ट में भी मेहनत नहीं की, अगर मैं इसके किसी एक सब्जेक्ट में 85 कर देती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो गया। ठीक है, क्लियर है, और अगर इसको हम दोबारा 55 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बाकी सब में किसी ना किसी सब्जेक्ट में किसी ना किसी स्टूडेंट के 80+ हैं तो उन्होंने पास कर दिया, अदरवाइज अगर एक में भी, और इसने तो किसी में भी 80 नहीं दिए थे तो वो फेल शो करता है। ठीक है, ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स MS Excel में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।